दोस्तों, आज हमारी वीडियो में चर्चा का विषय है यूनिवर्स ट्विन फ्लेम्स को क्यों नचाता है। ऐसा वो क्या करता है कि वो ट्विन फ्लेम्स उसी के अराउंड नाचते हैं। दोस्तों, हमारा मानना है कि ट्विन फ्लेम्स गॉड से या डिवाइन से कमिटमेंट कर ही अर्थ पर आए होते हैं, और जो भी उनकी लाइफ में चल रहा होता है वो पहले से ही प्री प्लानिंग होती है। उनके जीवन में किस तरीके के एक्सपीरियंस उन्हें देखने को मिलेंगे वो सब वो पहले से ही डिसाइडेड होता है, पहले से ही डिजाइन किया हुआ होता है। तो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आपको मजबूरन खुद की सोल का ग्रोथ करना ही होता है और उस पर चली बात पर चलना ही होता है, जिसमें आप पीछे नहीं हट सकते। बट जो सोल पीछे हटती है इन सबसे परेशान हो जाती है और रन करती है कि मुझे इस बात पर आगे नहीं बढ़ना है। तो यूनिवर्स या डिवाइन द्वारा ऐसे कुछ क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको वापस से उठाकर डिवाइन उसी बात पर ला खड़ा कर देते हैं, उस ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि आपको उस बात पर लाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। आप मजबूर हो जाते हैं, आप अपने ओल्ड कार्मिक बैगर्स को ले इकट्ठा कर जी रहे होते हैं, और यह जो एनर्जी होती है बहुत ही हैवी और डार्क होती है। जब हम खुद पर वर्क करते हैं तो ऐसे डार्क और हैवी एनर्जी का बोझ कैरी कर चल रहे होते हैं, वो वेट डाउन हो जाता है जब आप खुद पर काम करते हैं और आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो उस टाइम आप पर हैवी कार्मिक लोड होता है। यदि मैं डीएफ के प्रेस्पेक्टिव से सोचूं तो डिवाइन उन्हें डीएम को एक भीड़ में ऐसे पेश करते हैं कि तुम डीएम को उस भीड़ में खुद चूज कर लो, और जब आप उन्हें चूज कर लेते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और जब आप उनसे मिलते हैं, आप फर्स्ट टाइम में मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं। आप उनमें ऐसे खो जाते हैं कि आप जुनूनी हो जाते हैं, और जब आप बफल फेस में आते हैं तो आपको ऐसा फील होता है जैसे कि डीएम आपके अराउंड ही घूमता रहता है। आपकी दुनिया बस आपका डीएम ही होता है, इसके अलावा आपको और कुछ भी नज़र नहीं आता। बट एक टाइम ऐसा आता है कि आप चेजर बन जाते हैं और डीएम का पीछा करते हो, और सेपरेशन के ऐसे दर्दनाक फेस को एक्सपीरियंस करते हो कि जो आपको आपके अतीत को दिखाता है। आप उस पास्ट को देखना नहीं चाहते और डिवाइन वही सभी पेनफुल पास्ट को आपको दिखाते हैं और आपको उनसे फाइट करने के लिए प्रेरित करते हैं। आपको बोला जाता है कि आप इन सबसे पहले फाइट करो, इनसे लड़ो, स्ट्रॉन्ग बनो, बट आप कुछ नहीं सुनते और बस अपने डीएम के अराउंड ही घूमते रहते हैं। आप अपने डीएम को ही पाना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको किसी न किसी वे से बताते हैं कि आपके पास डीएम हो सकता है, पर पहले आपको अपने पेनफुल पास्ट पर फिर से जाना चाहिए और अपने आप को सबसे पहले सेल्फ लव में आना होगा, एक्सपेक्टेशन में आना होगा, फॉरगिवनेस में आना होगा, उसके बाद ही आप डीएम को पा सकते हैं। उससे पहले आपको आपके साथ चल रहे कर्म के बोझ से आपको खुद को मुक्त करना चाहिए, क्योंकि आप ट्विन का पीछा करते करते थक चुके होते हैं। तो डिवाइन आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब आपको ट्विन के पीछे नहीं भागना है, बल्कि आपको अपनी उस हैवी बर्डन पर वर्क करना है, और आप उस पाथ पर आगे बढ़ने लगते हैं और खुद पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे आप डीएम से पीछे हो जाते हैं। अब आप उसका पीछा नहीं करते, वो डिवाइन यहाँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, एक सोल को खुद से जोड़ते हैं, अपने अंदर झांकने पर मजबूर करते हैं। वह सोल मजबूर हो जाती है, और जब वो खुद में झांकती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी सोल तो बहुत दुखी है। उसे लगने लगता है कि बाहरी दुनिया या डीएम के पीछे भागने से तो अच्छा है कि मैं खुद पर वर्क करूं, इस पेन को कम करूं, इस पर जो मेरी सोल पर जो लेयर चढ़ी है, कर्मास की जो लेयर चढ़ी है, नेगेटिविटी जो मुझ में भरी है, पहले मैं उसे फिनिश करूँ, उसे उतारूँ। और वो अपना सारा ध्यान डीएम से हटाकर खुद पर देने लगती है। वो सेल्फ लव में आती है और अपने हैवी बर्डन या कर्मास पर वर्क करती है और खुद को डिवाइन से जोड़ती है, जिससे उसे परम सुख की अनुभूति होती है कि उसे लगने लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, और वो डिवाइन में खुद को मर्ज कर लेती है।
जिस पेन से वो गुजर रही होती है वो उन्हें खुद ही कम करने के लिए वर्क करने लगती है। वहीं यदि डीएम के प्रस्पेक्टिव से सोचूं तो डीएम को अपने जीवन में डीएफ सबसे खूबसूरत और सेक्सी दिखती है। उसे लगता है कि उसने आज तक अपने मल्टीपल रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किए हुए हैं बट इसके जैसी कहीं नहीं देखी। यह एकदम से परफेक्ट है बट इसके जैसी कहीं नहीं देखी। भगवान ने बड़ी फुर्सत से इसे बनाया है। इसमें वो सब क्वालिटी हैं जो किसी में हो ही नहीं सकती। यह यूनिक है, जैसे स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा, चाहे वो देखने में उतनी स्मार्ट ना हो बट उसके आगे मिस वर्ल्ड भी उसे फीकी लगती है। उसे लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता और यदि मैं इसे पा लूँ तो दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई हो ही नहीं सकता। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपकी कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है जिसे आप पाना चाहते हैं, जैसे आप कोई वस्तु पाना चाहते हैं, जैसे आपका कोई ड्रीम है, आप कार लेना चाहते हैं, आप कोई पर्टिकुलर कार प्राप्त करना चाहते हैं और आपका एक सपना है और गॉड आपको वही कार दिखाने लगते हैं तो आप अपनी उस फेवरेट कार में बैठने के लिए ललायत रहते हैं। आपको लगता है कि बस मुझे की मिले और मैं इसे लेकर भागूं। आप उसके लिए उससे चलाने के लिए मर रहे होते हैं। तो यूनिवर्स यहाँ यह रोल प्ले करते हैं कि वे आपको ड्राइवर की सीट पर बिठा देते हैं और आपको फील कराया जाता है कि आप इस कार के मालिक हैं। आप यूनिवर्स से पूछ सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी है तो यूनिवर्स आपको बोलते हैं कि यह आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं परंतु इसके लिए आपको अपने कर्म के बोझ को छोड़ना होगा, यानी आपको अपने कर्मा बर्डन को रिलीज करना होगा। तो यूनिवर्स ऐसे आपको नचाता है। हो सकता है कि आप इसे कार को दूर से ही देखते रहो या फिर एक बार देखने के बाद या एक बार ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद उसके दीवाने हो जाओ और उसको भूल ना पाओ, वो उसका भूत आपके माइंड में चढ़ता जाए और आप बस उसी के बारे में सोचते रहें। आप थोड़ी देर उसमें बैठने के बाद बार बार उसे पाना चाहें, आप उस कार के दीवाने हो गए हैं तो आप अपनी उस लालसा को सेटिस्फाइड करने के लिए बार बार उसके पास जाते हैं या फिर दूर से ही देखते रहते हैं। यह चक्र बार बार दोहराते हैं। आप थोड़ी देर के लिए किसी दूसरी कार को चलाते हैं बट वो आपको पसंद नहीं आती, आप उसी कार में वापस जाना चाहते हैं। तो डीएम का मन ऐसे उछलता है। वहीं डीएफ अपने भारी बोझ पर कार्य करना शुरू कर देती है, खुद को डीएम से दूर कर लेती है, डिवाइन में मर्ज होने लगती है, डीएम को एनर्जी देना बंद कर देती है। जब डीएम को एनर्जी नहीं मिलती तो वो घबरा जाते हैं, उन्हें डर लगने लगता है कहीं मैं डीएफ को खो ना दूं और वो भागते हैं यह देखने के लिए कि डीएफ के अंदर फीलिंग्स बची हैं या नहीं, कहीं वो मुझसे सच में दूर तो नहीं हो गई है, कहीं उसकी लाइफ में कोई अन्य पर्सन तो नहीं आ गया है, कहीं वह किसी के साथ चली तो नहीं गई है। तो वो चीज़ें देखने के लिए जब वो बहुत परेशान हो जाते हैं तो उन चीज़ों को देखने के लिए वापस आते हैं, वापस रन करते हैं बट इस बार वो रन डीएफ से नहीं बल्कि डीएफ के पास जाने के लिए करते हैं। सो जब उन्हें फील होता है कि डीएफ अभी भी उसी से लव करती है तो वो खुद को सेफ समझकर फिर से रन करते हैं। उन्हें समझ आ गया होता है कि अगर मैंने अभी यूनिवर्स द्वारा बताए रास्ते पर नहीं चलूँगा, अपने हैवी पास्ट कर्मास को रिलीज नहीं करूँगा तो डीएफ को खो दूँगा, तो वो उसे स्पीड से करने लगते हैं क्योंकि उसे अपनी उस परी को खोना नहीं है। वो समझ चुके होते हैं कि यह डिवाइन द्वारा दिया गया एक कीमती गिफ्ट है और मुझे इसे पाना है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो यूनिवर्स अपने तरीके से टेस्ट लेता है। यह टेस्ट पूरी तरह से हर किसी की सिचुएशन पर डिपेंड करता है क्योंकि सबकी सिचुएशन चेंज होती है। कभी कभी यह टेस्ट कुछ विशेष मापदंडों के आधार पर होते हैं। टेस्ट देने के बाद व्यक्ति को काफ़ी प्राउड फील होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि एक व्यक्ति जिसे लगता है कि वो अवेकन हो चुका है और अब वो बहुत पीसफुल और हाई वाइब्रेशन पर है, अब वो विनम्र रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स उनका टेस्ट लेते हैं कि वो शांत है या विनम्र है। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और आपको भी फील होने लगता है कि आप जिस वाइब्रेशन में हैं, जब आप उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आप खुद ही
उस पार्ट पर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब तक करते हैं तब तक वो कमियां दूर नहीं कर लेते। सो ऐसे आपकी कमियों को सरफेस पर लाया जाता है और यूनिवर्स द्वारा उसे सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जीवन में हमें टीच और लेसन सिखाने, हमारी लाइफ में इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए हमारा ट्विन आता है। इसके अलावा लाइफ में किसी बीगर पर्पस या जन कल्याण कार्य करने के लिए आते हैं, तो वहाँ भी यूनिवर्स हमारे टेस्ट लेते हैं कि हम उस लायक बने हैं कि नहीं। तो यूनिवर्स हमारे धैर्य का, हमारी ईमानदारी का, हमारे विश्वास का यानी फेथ एंड बिलीव का भी परीक्षण करते हैं। ज़्यादातर सभी ट्विन फ्लेम्स के माइंड में यह क्वेश्चन एक बार जरूर आता है कि क्या यूनिवर्स सच में हमारा टेस्ट लेते हैं। तो यह ट्रूथ है, यूनिवर्स हमारी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वह परवाह करता है। जब यूनिवर्स हमारी परीक्षा लेता है तो यह सिर्फ देखने की कोशिश करता है कि क्या हम वह सब कुछ करने के लिए रेडी हैं जो हम चाहते हैं। यूनिवर्स हमारे टेस्ट लेता है क्योंकि वह हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करना चाहता है। तो आप यह ना सोचें कि यूनिवर्स ने जो टेस्ट आपका लिया है उसमें आप पास हुए या फेल, अपितु यह समझे कि आप फेल हो रहे हैं तो परेशान ना हो, उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, अपॉर्चुनिटी के लिए ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट का अवसर माने। एक्चुअल में यूनिवर्स आपको सफल देखना चाहते हैं। जिस तरीके से हमारे माता पिता हमें सपोर्ट करते हैं, हमें बचपन में हम जब चलना सीखते हैं, हम बार बार गिरते हैं फिर उठते हैं फिर चलते हैं फिर गिरते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे माता पिता हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ाते हैं। और जब हम चलना सीख जाते हैं तो वो कितना, उनके चेहरे की जो स्माइल होती है वो देखने लायक होती है। वैसे ही हमारी पूरी लाइफ की जर्नी में हमारे माता पिता हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। हम जब भी हमारा मोरल डाउन होता है तो वो हमें ऊँचा उठाते हैं, हम हमारी प्रगति के बारे में, हमारे विकास के बारे में सोचते हैं और अपनी पूरी लाइफ हमारे लिए निछावर कर देते हैं। उसी तरीके से वैसा ही काम हमारे यूनिवर्स हमारे लिए करते हैं, क्योंकि वो हमें सफल देखना चाहते हैं। हाँ, हम एकदम से यह सब नहीं कर पाते हैं, आप एकदम से पीछे हटते हैं और एक बिगर पिक्चर देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स आपके साइड ही होते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और ब्यूटीफुल कनेक्शन में से एक है। आप एक इंटरनल सोल कनेक्शन में हैं। यदि आप एक ट्विन फ्लेम हैं तो आपकी सोल पहले ही अपने पर्पस को लेकर डिवाइड हो गई थी, और यह पर्पस प्रेम और जीवन को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाता है। जो आध्यात्मिक रूप से जागृत होने यानी स्पिरिचुअली अवेकन होने और अपने अंदर की कमियों को फील करने के साथ शुरू होती है। कभी कभी यूनिवर्स ट्विन फ्लेम्स को, दोनों सोल्स को एक साथ लाते हैं, बट इसलिए नहीं कि आप चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपका डिवाइन टाइमिंग फिक्स होता है, और यह वह जगह है जहां ट्विन फ्लेम्स आते हैं। यहां प्यार के पैटर्न और एक्सपेक्टेशन को फिर से परिभाषित करने, इस दुनिया में बिना शर्त यानी अनकंडीशनल लव को फैलाने के लिए आते हैं। यहाँ हम डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करने के लिए हैं, जो सरल और सुविधाजनक नहीं है। यूनिवर्स आपको आपकी हायर सेल्फ से जोड़ने के लिए सिचुएशन क्रिएट करता है और आपको बता रहा होता है कि आपकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, आपको खुद को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है, आपको अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है, आपको अपने भीतर के प्यार को खोजने की ज़रूरत है कि आप डिवाइन मिशन का हिस्सा हैं। यूनिवर्स में गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट, लाइफ, लव, कॉन्शियसनेस, एनर्जी ऑर्डर में है। यूनिवर्स आपके भीतर है और आप यूनिवर्स में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनिवर्स हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है। यह जर्नी ही पेशेंस की जर्नी है, पेशेंस को दिखाती है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं, बट जब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, अब आपको लगने लगता है कि मैंने खुद पर वर्क कर लिया है, अब मैं हायर वाइब्रेशन में हूँ, तो यूनिवर्स सबसे पहले आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। वो सोच रहा होता है कि क्या आप वो जो चाहते हैं उसकी प्रतीक्षा या वेट करने के लिए रेडी हैं। अगर आप रेडी हैं या नहीं, कहीं आप इस पेनफुल जर्नी से होपलेस तो नहीं हो गए हैं, आप वेट करने को तैयार हैं या नहीं। यदि आप हार मान लेंगे, क्योंकि
चीज़ें बहुत तेज़ी से नहीं हो रही होती हैं, बहुत ही स्लो हो रहा होता है, तो कई बार बहुत सी सोल हार मान लेती हैं। तो डिवाइन यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है कि आप हारे तो नहीं हैं। कभी कभी चीज़ों को घटित होने की प्रतीक्षा करना भी चैलेंजिंग टेस्ट हो सकता है। आपको हार मानने या कार्य करने के लिए लुभाया जा सकता है, बट आपके द्वारा वेट किया गया हर सेकंड आपको अपने पर्पस के करीब एक स्टेप आगे बढ़ा देता है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स आपको वो सब देगा जिसकी आप वेट कर रहे होते हैं। यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ लाने के लिए अपनी शक्ति से सब कुछ करता है, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हमारे डीपेस्ट डिज़ायर, प्रेयर और एवरी विश को सुन रहा होता है। जब आप अपने दुखों और अपने दर्द, अपने प्यार और अपनी लालसा, कंफ्यूजन, अपने ग्रेटिट्यूड के लिए रोते हैं, तो यूनिवर्स सब नोट कर रहा होता है और प्लानिंग बना रहा होता है कि कैसे आपकी डिज़ायर को पूरा करें, और उसके लिए आपको भी रेडी कर रहा होता है कि कैसे आप उस एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में आएं, आपको कैसे अपनी परीक्षा में पास होने के लायक बनाएं। तो यूनिवर्स हमारे टेस्ट ले लेकर हमें उस लेवल पर ले आते हैं कि हम सफल हो जाएं। तो आप जो कुछ भी चाहते हैं अपने ट्विन के लिए या आपकी कोई भी डिज़ायर है, तो आप यूनिवर्स को मैनिफेस्ट करें और धैर्य रखें और वो सभी आवश्यक कार्य करें जो डिवाइन आपसे कराना चाहते हैं। उन पर ध्यान दें, यूनिवर्स के दिए हुए संकेतों को समझें। यूनिवर्स बहुत से माध्यम से आपको संकेत देते हैं। अपनी इंट्यूशन को सुने, इंडिकेशन को समझें और समझने का प्रयास करें कि आपको क्या बताना चाह रहे हैं। उनसे हेल्प मांगें और अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आपके एंजल, स्वर्गदूत आपको गाइड करते हैं। उनसे हेल्प मांगें। यूनिवर्स आपके कॉन्फिडेंट की परीक्षण करना पसंद करता है, क्योंकि यह देखना चाहता है कि आप वास्तव में मानते हैं कि आप जो चाहते हैं वो पाने के लायक हैं। यदि आपका उत्तर नहीं है तो सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप कॉन्फिडेंट हैं और आप जानते हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए, आपकी ये एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है और आप उस पर वर्क भी करने लग जाते हैं, आप अपना सारा फोकस उस डिज़ायर को पाने में लगा देते हैं, तो यूनिवर्स आपको 101% वो चीज़ देते ही हैं। ये सब चीज़ें वो कब देते हैं? जब आपका यूनिवर्स पर पूरा ट्रस्ट होता है, आप पॉजिटिविटी में रहते हैं, आप एक हायर वाइब्रेशन में रहते हैं और आपकी जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, आपका सारा फोकस उसी पर लगा होता है और आप उसके पाथ पर डिवाइन द्वारा बताए गए इंडिकेशन को समझकर उन पर चल रहे होते हैं, आपको वो चीज़ ज़रूर देता है जो आपकी चाहिए। आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने होगा और आप परमानेंट यूनियन में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं यूनिवर्स द्वारा ट्विन फ्लेम्स की ली जाती हैं और बहुत से ट्विन फ्लेम इन परीक्षा में पास हो जाते हैं और परमानेंट यूनियन को पा लेते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हैप्पी जर्नी दोस्तों।